Hey guys, good morning to all. Welcome to back. Come on, man. So hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are absolutely fine. Today is 8th of January and 12 बज चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था. और जो सब कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि फ़िश कैसी है, फ़िश के मुंह में अभी भी वो दूसरी छोटी फ़िश अटकी हुई है. अभी रात वो आ नहीं पाए थे. फिशरमैन जो हैं हमारे जो एक्वेरियम ठीक करते हैं सरफराज भैया, वो आज आएंगे या फिर किसी को भेजेंगे. सो देखते हैं अब क्या होता है. दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. वेट. सो अब इसके इस फिश के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. देखो ये बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है क्योंकि ये ना अटक गई है वाली जो फ़िश है ना, ये इसको स्वालो करने की कोशिश कर रही है बट ना ही तो ये बाहर आ रही है और ना ही अंदर जा रही है. और तो फिश सारी मूवमेंट पे हैं बट ये फिश मूव भी नहीं कर रही. अब वैसे शी इज़ स्टिल अलाइव बट देखता है अब. इससे हमें एक सबक मिलता है. सबक यह है कि हमें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. और कुछ लोगों को ज़्यादा का वांट होता है कि हमारे पास और ज़्यादा आ जाए, या तो हम और ज़्यादा खाएं, या फिर हमारे पास और ज़्यादा पैसा आए, या सब कुछ हमारे पास ज़्यादा हो. मतलब हमारे अंदर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता किसी भी चीज़ का कि नहीं हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए. सो ऐसे ही ये फिश निकली, इसको भी बहुत चाहिए था. अब इसको ये नॉर्मल फूड भी नहीं खा पा रही क्योंकि वो जो फिश है छोटी वाली फिश है वो ऑलरेडी स्टक हो गई है बीच में. सो ये अब नॉर्मल फूड भी नहीं खा पा रही. तो इसलिए हमें अति के पीछे नहीं भागना चाहिए. जितना हमारे पास है और जैसे हम हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए. इससे ये सबक मिलता है हमको. सो वो भैया आ चुके हैं और वो पापा बोल रहे थे कि जो फ़िश है फ़िश के मुंह के अंदर वो उनके कांटा जो कांटा थे क्या बोल रही हूँ मैं जो स्मॉल फ़िश है उसके कांटे चुभ गए हैं उसको, तो इसलिए फंस गया. तो अब दोनों ही फ़िश उसको ले जाना पड़ेगा. वो जो दूसरी फ़िश थी बड़ी वाली फ़िश वो बहुत ही सुंदर थी. स्टार्टिंग में जब आई थी तो वो बहुत छोटी थी और अब वो यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई थी. मतलब जाएगी बड़ी वाली फ़िश, ये निकल नहीं सकती इसके मुंह से. तो ये कभी नहीं निकलेगी भैया इसके मुंह. ये बड़ी वाली है भैया फिशेस. हाँ, ये बड़ी। पर इतनी बड़ी तो कोई भी नहीं थी, जो जितनी बड़ी है ना. बड़ी वाली फिश ले ली, निकाल ली. बहुत मुश्किल से आती है वो हाथ में. डाल ली इसमें पापा, लो आप डाल दो. यार निकाल दे, अभी देख ले निकल जाएगी तो हमारी वापस कर दिया यार. हमने बहुत प्यार वो भैया बोल रहे हैं बड़ी वाली फ़िश के गल्फ होता है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर फंस गई. और देखते हैं उसको टैंक में रखेंगे, अगर निकल जाती है तो सही है वरना उसके भी बहुत कम चांसेस है जी. सो उसके भी बहुत कम चांसेस हैं अब. और उसको लेके जा रहे हैं. उसकी जगह दो फिश आई है नई जो मैंने आपको भी अभी दिखाई है. जो इधर बैठ जाओ, बैठ के खा लो. एक मिनट मैं स्टूल रख देती हूँ, बैठ जाओ. चाय भी बना दूँ? हाँ 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 थोड़ी सी ले लेना, ठीक है एक घूट. आराम से वो बड़ी वाली फिश चली गई. हमारा एक्वेरियम बहुत खाली खाली लग रहा है. दो लाए छोटी छोटी, एक तो येरी छोटी वाली, एक पीछे है वो काई वाली होगी. नहीं काई वाली नहीं, दोनों नॉर्मल है. क्या? पता नहीं काई वाली कहां था. चल छोड़ दे. बाय. बोल रहा दीदी मैं जा रहा. दिल्ली में भी धूप है? दिल्ली में तो एक बार बोले थे 4 डिग्री सेल्सियस हो गया था. रुटकी में ही है. बाय मामा, बाय पापा.
सामो अलोन। मुझे फिश की बहुत याद आ रही है यार, मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा यहाँ पे। मेरे को बर्तन धुलने पड़ेंगे, मम्मा तो नहीं है सो बर्तन धोने साथ। बहुत ज्यादा ठंडी, आज तो हम बाहर भी नहीं गए, घर में ही है हीटर में। हमने बाबा जी वाला हीटर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हमें भी अब नई हीटर की जरूरत है। मैंने पापा को बोला बहुत ठंडी है यार, वी कांट लिव विदाउट हीटर, आई कांट लिव विदाउट हीटर। वी आर वाचिंग स्प्लिट्स विला 14, अक्षू'स फेवरेट। मेरी मम्मा कितनी क्यूट है, बस कर कंट्रोल करो भाई, मेरी क्यूटनेस मम्मा पे ही है पूरी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू डिड देन गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो द मेन थिंग स्प्रेड लव। टाटा। हमने हीटर अंदर रखा हुआ था, मम्मी के बाल गीले थे तो मम्मी को थोड़े से वो सुखाने थे, और अब बाबा जी को नीड थी हीटर की, तो हम अंदर वहाँ लेके गए बाबा जी के रूम में। वहाँ जैसे ही हमने रखा वो हीटर ही नहीं चला, हीटर खराब, केस हो गया भाई। तो पापा डांटेंगे कि हीटर क्यों रखे आए, क्योंकि बस हो गया अब तो खराब और क्या बोलूं।